मैं आज आपको एक टाइम के टाइम का इम्पोर्टेंस बताने वाली हूँ। अगर आप एक साल का महत्व जानना चाहते हैं तो आप उस स्टूडेंट से पूछिए जो अपनी फाइनल एग्जाम में फेल हुआ है, वो आपको बता पाएगा जिंदगी में एक साल का महत्व कितना ज़्यादा हो सकता है। या फिर अगर आप जानना चाहते हैं जिंदगी में एक महीने का महत्व क्या है, तो आप उस माँ से पूछिए जिसका महीना जिसका बच्चा इस दुनिया में एक महीना जल्दी आ गया, वो आपको बता पाएगी जिंदगी में एक महीने का महत्व कितना ज़्यादा हो सकता है। आप जानना चाहते हैं जिंदगी में एक हफ्ते का महत्व क्या है, तो आप उस न्यूज़पेपर के वीकली न्यूज़पेपर के एडिटर से पूछिए, वो आपको बता पाएंगे जिंदगी में एक हफ्ते का महत्व कितना ज़्यादा हो सकता है। आप जानना चाहते हैं जिंदगी में एक दिन का महत्व क्या है, तो आप सड़क पर खड़े उस मजदूर से पूछिए, अगर उस दिन उसे कुछ काम नहीं मिला, शाम को 100-150 रुपए वो नहीं कमा पाया, तो अपने परिवार को वो खिला नहीं पाएगा, वो आपको बता पाएगा जिंदगी में एक दिन का महत्व कितना ज्यादा हो सकता है। या फिर अगर आप जानना चाहते हैं जिंदगी में एक घंटे का महत्व क्या है, तो आप यूपीएससी या फिर सीएससीएस के जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी फाइनल एग्जाम है उनसे पूछ के देखिए, अगर दिन भर में एक घंटे का उन्हें एक्स्ट्रा टाइम मिल गया थोड़ा सा आराम करने के लिए या थोड़ा फ्रेश होने के लिए, यू हैव एक्सपीरियंस दैट राइट, तो आपको पता चलेगा कि एक घंटे का वैल्यू कितना बड़ा हो सकता है। या फिर अगर आप जानना चाहते हैं जिंदगी में एक मिनट का महत्व क्या है, तो आप उस इंसान से पूछिए जो दौड़ते दौड़ते रेलवे स्टेशन पे पहुंचा है, जो देख रहा है उसकी ट्रेन जा रही है, वो आपको बताएगा जिंदगी में एक मिनट का महत्व कितना ज़्यादा हो सकता है। या फिर अगर आप जानना चाहते हैं जिंदगी में एक सेकेंड का महत्व क्या है, तो आप उस इंसान से पूछिए जो एक सेकेंड के लिए सड़क से उस एक्सीडेंट से बच गया, वो आपको बता पाएगा जिंदगी में एक सेकेंड का महत्व कितना ज़्यादा हो सकता है। या फिर अगर आप जानना चाहते हैं जिंदगी में एक मिली सेकेंड का महत्व क्या है, तो आप ओलंपिक्स के उस सिल्वर मेडलिस्ट से पूछिए जो एक मिली सेकेंड के लिए अपना गोल छूट गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड छूट गया, वो आपको बता पाएगा जिंदगी में एक मिली सेकेंड का महत्व कितना ज़्यादा हो सकता है। एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ टाइम। आपने सुना होगा एक नाम और साइन बोल्ड ओलंपिक्स रनर, उसने 10 सेकेंड के अंदर 100 मीटर का डिस्टेंस कंप्लीट कर लिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और एक साल और 4 साल के बाद एक मेजर ओलंपिक्स में जब वो वापस आया उसने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ के 9.5 सेकेंड के अंदर 100 मीटर का डिस्टेंस कंप्लीट कर दिया, इनफ। एंड जब मीडिया ने उन्हें पूछा कि सर ऐसा आपने पिछले 4 साल क्या किया, तो उन्होंने एक हल्की सी स्माइल दी और कहा आधा सेकेंड कम किया। एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ टाइम फॉर चैंपियंस। अगर हम सब यहाँ पे उसी ऊंचाई पर हमें हमारे फील्ड में हमारे काम में उसी ऊंचाई पर हमें देखना चाहते हैं, तो हमारा एवरी मिनट्स काउंट फॉर अस। थैंक यू।